एग्जाम में टॉप करना हर किसी का सपना होता है और ये सपना साकार हुआ है नोएडा की रक्षा गोपाल का। खुद रक्षा गोपाल मेरे साथ मौजूद है। अक्सर हर किसी का ड्रीम होता है कि टॉप करना और CBSE के एग्ज़ाम बोर्ड में टॉप करना। आपने वो ड्रीम जो है अचीव किया है, सबसे पहले कैसा फील कर रहे हैं ये? बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि बहुत मेहनत की थी इन 11th और 12th में दोनों मिलकर। इतनी ज़्यादा मेहनत, सब ने मेहनत की थी, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, और तो इससे बहुत खुशी हो रही है। तो हाँ, ड्रीम था तो अब रियलिटी हो गई, तो बहुत खुश हूँ मैं। उम्मीद थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा 99.6%, मतलब इतने ज़्यादा नंबर 99.6 की तो बिल्कुल नहीं थी, 95 अबव। हाँ, बहुत मेहनत की थी मैंने, और फिर अभी काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी थी रिजल्ट्स के बारे में, तो उसमें थोड़ा और कम हो गया था, बट 99, लेकिन स्कूल को हमेशा भरोसा था कि इतने अच्छे तो आ ही जाएंगे। पांच सब्जेक्ट में से आपने तीन में जो है 100 का स्कोर किया है, तो कैसे तैयारी की, कैसे होमवर्क किया, घर पर कैसे तैयारी की, स्कूल में कैसे तैयारी की? तैयारी कुछ अलग टाइप की नहीं थी, बस ये था कि जो भी पढ़ूँ मैं वो अच्छे से करूँ। सब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है, टीचर्स ने इतनी बार डाउट्स क्लियर किए हैं मेरे, और सब और पेपर्स बहुत सारे सॉल्व किए। एंड जब पढ़ने का मन नहीं किया तो वो छोड़ दिया, क्योंकि तब पढ़ाई नहीं जाता, तो इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, फोकस किस चीज़ पर किया था आपने? फोकस ऐसे एसेट किसी चीज़ पे नहीं किया था, बस ये करना था कि सब सब्जेक्ट्स में अच्छा करना है, जो विषय का हो भी गया है, तो बस कुछ अलग तरीका का कुछ नहीं किया। ये जो आपने अचीव किया है, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों को, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, और मेरी बहन को क्रेडिट जाएगा, उन्होंने बहुत सपोर्ट और मोटिवेट किया है, और पूरे स्कूल को, जो चेयरपर्सन है डॉक्टर मिस अमिता चौहान, उनसे लेकर प्रिंसिपल मिस रीनू सिंह, और स्टाफ के हर मेंबर, टीचर्स, सब को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। आगे क्या सोचा हुआ? लास्ट क्वेश्चन, आगे क्या सोचा हुआ? मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, और फर्स्ट ऑप्शन तो DU है काफ़ी, और अब मैंने अभी अप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये थी मेरे साथ CBSE के 12वें रिजल्ट में टॉप करने वाली रक्षा गोपाल, जिन्होंने बोला कि कोई खास तैयारी नहीं की है, लेकिन हाँ, रक्षा ने ना सिर्फ प्रदेश का नाम रोशन किया है टॉपर होकर, बल्कि साथ में देश का भी नाम रोशन कर दिया है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, नोएडा।